Okay. Srimati Rajani Patil, 3 minutes. 3 minutes. Sir, 5 minutes, sir. 5 minutes. Bolo, 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 bolo. Jaldi bolo. Sir. मैं थोड़े ही शब्दों में सिर्फ बिंदुओं को स्पर्श करके मेरी बात कहना चाहूंगी. इस देश में जब लोकतंत्र की नींव डालने का समय आया था तो नेहरू जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, मौलाना आजाद हो आदि सभी विभूतियों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था. और हर एक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मजहब का हो, क्षेत्र का हो, औरत हो या पुरुष हो, सबको एक शस्त्र हाथ में दिया था और वो शास्त्र था मतदान का, जिसके माध्यम से हम इस देश की जम्हूरियत को या लोकतंत्र को टिका सके. सर, कोई भी कितना भी शक्तिशाली शख्स कितना भी हो, लेकिन मतदान के समय, मतदान मांगते समय उनको मतदारों के प्रति छोटा होकर जाना पड़ता है, यह हकीकत है सर. लेकिन अभी निर्वाचन सदन को, निर्वाचन आयोग को 66 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 66 साल कंप्लीट हो गए हैं. और मतदान प्रणाली और निर्वाचन आयोग का जिस तरह से निर्वाचन चुनाव होना चाहिए, क्या उस तरह से वो हो रहा है क्या, ये बड़ा ही संजीदा सवाल हमारे जहन में आता है. सर, अभी जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा, मैं उसको दोहरा के होते बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एम फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, मसल पावर, मैन पावर, मनी पावर एंड नाउ मीडिया पावर. ये 4 M है जो हमारे चुनाव को कंट्रोल करते हैं. महिला पावर हम चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे आप. महिला दे नहीं रहे, महिला पावर नहीं दे रहे आप लोग. आप देंगे नहीं, इसके लिए फिर हमें ही आना पड़ेगा वहां, तभी मिलेगा. हमने राज्यसभा में हमने ही दिया है. सर, चुनाव प्रणाली में 2-4 जो चीजें हैं जिसका सिर्फ बिंदुओं को स्पर्श में करूंगी, पार्टियों का ऑडिट, काले धन का उपयोग, पेड न्यूज, सरकार की स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट, गलत एफिडेविट की सजा, इतने सब आदि अनेक पहलू हैं. और जैसा कि मैंने अभी कहा कि राजनीतिक गुनहगारी, जिसका बहुत ही हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए. हाल ही में महाराष्ट्र में हमारे जिला परिषद के और महानगर पालिका के चुनाव हुए और जिस तरह के हमारी वहां की सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सभी जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में जो गुनहगार थे, खासतौर पे पुणे में वंदना जी उसको समर्थन देगी कि जो गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको बिल्कुल लोग नाम भी लेना पसंद नहीं करते, उन सभी गुनों का रंग उनको उन्होंने जवाब कर दिया और उनको जैसे यहाँ आए तो गंगा नहाए और शुद्ध हो गए. एक जैसे कि शुद्धिकरण की फैक्ट्री बीजेपी में आए, शुद्ध हो गए, फिर कोई जरूरत नहीं. इस तरह से उन्होंने गुनहगारों का तुष्टिकरण करने का एक कोशिश उन्होंने किया है. सर, काले धन के उपयोग के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज के तारीख में जिस तरह से चुनाव में पैसा खर्चा होता है, अगर हम चाहेंगे भी तो हम कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं. जिला परिषद के लिए एक एक कैंडिडेट ने 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ खर्चा किया, करोड़, लाख नहीं, इतना पैसा खर्चा हुआ है. महानगर पालिका मुंबई में 5 करोड़, 6 करोड़, ये उनके खर्चे की आंकड़ेबारी है. सर, इस तरह से अगर हम जाएंगे तो इस समाज में जो गरीब घर के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चे राजनीति में आना, ये उनके लिए अशक्य, ये पॉसिबल ही नहीं होगा. ये मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूंगी. और वैसी बात न्यूज की है, मीडिया की है. सर, आपको याद होगा अभी विनय जी ने बताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया का इतना जबरदस्त काम है इन लोगों का कि 1997 में जब गणपति दूध पीता है ये न्यूज हमारे यहाँ फैली, तब हमारे मनोहर पंत जोशी हमारे मुख्यमंत्री थे और बीजेपी और शिवसेना का सरकार था, तो 10 मिनट में पूरे देश का ही नहीं लेकिन विश्व के गणपति ने दूध पिया, विश्व के गणपति ने दूध पिया. इतनी जबरदस्त यंत्रणा इन लोगों की है सर, इसलिए मीडिया में ये छाए हुए हैं. एक बार किसी को अगर हटाना है, हटाई करनी है, उसको नीचा दिखाना है तो किस तरह से करना है ये इन लोगों के सीखे. लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी. और सबसे आखिर में ईवीएम की बात जो सबने कही वो बताना चाहती हूँ, इसके लिए बोलना चाहती हूँ. सर, अगर सभी देश के इतने लोगों के मन में अगर आशंका हो रही है
कि अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने और सरकार ने इसके लिए गंभीरता से विचार करना जरूरी है। अगर कोई बोल रहा है कि हमें शंका है, तो मुझे ये लगता है कि जिसका जिक्र भी किया शेक्सपियर का, विनय जी ने, फिर एक बार विनय जी को बताना चाहती हूँ कि शेक्सपियर का दोनों जिक्र किया, लेकिन सीजर्स वाइस शुड बी अबाउट सस्पिशन। सरकार कभी भी सस्पेंशन के बाहर ही होना चाहिए, निर्वाचन आयोग कभी भी सस्पेंशन के बाहर होना चाहिए। और अब मुझे, मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, सर दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जनवरी 2012 के अपने जजमेंट में इसी विषय पर बोला है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू टैम्पर द प्रेजेंट ईवीएम्स, ये उनका जजमेंट था। और उसी को अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस, एक मिनट सर, इसी का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट का उन्होंने उपयोग करने के लिए बोला है 1 अक्टूबर 2013 में। सर ऐसे ईवीएम के साथ एक मिनट सर छेड़खानी हो सकती है, तो फिर इस तरह के चुनाव को हम कैसे संवैधानिक बताएंगे और कैसे हम इस देश के लोकतंत्र को बता सकेंगे? सर इस देश में अगर पारदर्शक साफ अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहते हैं, तो आपको सबको ये पन्ना करना पड़ेगा जो ईवीएम मशीन से वीवीपैट तो करना जरूरी है, लेकिन इससे आगे जाके मैं बोलूं सर एक मिनट सर, जो हमारे गांव की महिला जो दूर दराज से आती है, जो गांवों से आती है वोटिंग करने के लिए आती है, अगर आपने पेपर ट्रेल भी कर दिया, पेपर ट्रेल देखने का और उसको समझने का भी अंदाज उनको नहीं है, पेपर ट्रेल देख के उसमें उनको समझना भी नहीं होगा। इस लोगों के लिए हमें लगता है कि इसके लिए फिर एक बार हमारे सदन ने, राज्यसभा हो लोकसभा हो निर्वाचन आयोग, उन्होंने एक बार संजीदगी से सोचना चाहिए और फिर एक बार हमने वो करना चाहिए जो बाकी के देशों ने किया है। सर नीदरलैंड ने बैन कर दी है, जर्मनी में ही वोटिंग बैन कर दिया है। इन सभी देशों को समझते हुए No, please, sit down. Sir, exploiting moral bond. Exploiting is non-parliamentary. No, that's all.